सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। परिवर्तन कभी पीड़ादायक नहीं होता, केवल परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। किरण चाहे सूरज की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। नफरत किसी से ना करें और अगर हो जाए तो स्वयं मंथन करें। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। आज का पंचांग 25 अप्रैल 2022 दिन सोमवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, रात्रि 1:38 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र शाम 5:12 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:36 से 9:13 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 25 अप्रैल 2022 दिन सोमवार, भौतिक सुविधाओं की ओर ध्यान देने के लिए यह काफी अच्छा समय है। अपने सामाजिक जीवन का आनंद उठाएं और ऐसे दोस्तों और परिचितों से भी बात करें जिनके संपर्क में आप लंबे समय से नहीं रहे हैं। आज अपने जागरूक स्तर में भी बदलाव महसूस करेंगे जो आपको अचानक ही अनुभव होगा। इस समय अपने मन की बात सुनना ही उचित होगा। दिन खुशनुमा रहेगा। काफी समय बाद घर में नजदीकी संबंधियों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा। सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी महसूस करेंगे। आपका व्यवहार कुशल होना आपकी तरक्की में भी सहायक रहेगा। व्यक्तिगत कामों में ध्यान बढ़ने की वजह से बदलाव कर पाना संभव हो सकता है। लोगों के द्वारा प्राप्त हुई प्रेरणा की वजह से जीवन को नई दिशा मिल सकती है। पैसों से संबंधित बातों में प्रगति नजर आएगी, इस कारण तनाव कम होगा। काम संबंधित स्किल्स को बढ़ाने के लिए समय अच्छा है। रिलेशनशिप के लिए किए गए हर एक प्रयत्न की वजह से जीवन में सुधार आएगा। शरीर पर सूजन हो सकती है। सावधानियां, कई मामलों में धीरज और धैर्य भी रखना जरूरी है। व्यक्तिगत समस्याओं का अवसर घर की सुख शांति पर ना पड़ने दें। ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना हो, इसकी वजह से वातावरण गंभीर हो सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। घर परिवार तथा कारोबार के बीच बेहतरीन तालमेल बना रहेगा। प्रेम संबंध उजागर होने से मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपके प्रिय को आज आपकी सहायता और समर्थन की जरूरत होगी। इस समय आपको बिना किसी शर्त अपने प्यार का एहसास उन्हें कराना चाहिए और उनके बारे में कड़वा बोलने या उनकी आलोचना करने से बचना चाहिए। आपको अपनी छोटी छोटी शिकायतों और मुद्दे पर एक तरफ कर देने चाहिए। आप जैसा व्यवहार अब करेंगे उससे आपके रिश्ते पर लंबे समय तक के लिए प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आपको अब सोच समझकर ऐसे निर्णय लेने हैं। बात करते हैं सेहत की। आपके वित्तीय संसाधनों का विस्तार होगा जिसका लाभ लेने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। आप आज अपने घर, व्यवसाय या वाहन के लिए भी ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं जो कि आराम से मंजूर हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने शिक्षा ऋण के लिए आवेदन किया हुआ है उन्हें भी शुभ संदेश की प्राप्ति होगी। आज का दिन शेयर बाजार में निवेश के लिए उपयुक्त है। कार्य विस्तार संबंधित योजनाओं में हल्की फुल्की परेशानियां रहेगी लेकिन समय रहते समाधान मिल जाएगा। नौकरी में छोटी मोटी समस्याएं आएगी, आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। आज का सारा दिन बदलाव के नाम रहेगा। आप किसी ऐसे आदमी के संपर्क में आ सकते हैं जो या तो आपके जीवन में बदलाव का कारण बनेगा या ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाएगा जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। हालांकि सभी तरह के परिवर्तन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। किसी बदलाव को लागू करने से पहले यह तय कर लें कि यह लंबे समय में आपके लिए अच्छे परिणाम दे पाएगा या नहीं।
अपने सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।